नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। मौद्रिक नीति समिति की दो दिनों की बैठक के बाद आज आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये 6.5% पर ही बना रहेगा। उन्होंने कहा कि एमपीसी के सभी सदस्यों ने ब्याज दरों को स्थिर रखने का समर्थन किया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में महंगाई दर 4% से अधिक बनी रहेगी, वहीं वित्त वर्ष 2024 में 6.5% की विकास दर संभव है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में पुलिस ने कुल 36 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनमें से 2 नाबालिग हैं। तो वहीं कल हुई घटना को लेकर कोई अफवाह नहीं फैला पाए, इसके लिए प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट बैन कर दिया है और धारा 144 भी लागू कर दी गई है। दरअसल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 6 जून को कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट किया, जिसके विरोध में अगले दिन कुछ लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान किसी ने भीड़ पर पथराव कर दिया और इस पथराव के बाद स्थिति बिगड़ गई और इलाके में हिंसा फैल गई। लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बता दें कि इसके अलावा कोल्हापुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब का स्टेटस रखने के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी। इन दोनों एफआईआर में कुल 5 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया और उनको जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया। भारतीय नौसेना को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने जर्मनी कंपनी के साथ 43,000 करोड़ रुपए की डील की है, जिसमें 6 स्टील्थ पनडुब्बी खरीदने के उद्देश्य से जर्मनी की प्रमुख रक्षा कंपनी थाइसेन ग्रुप मरीन सिस्टम और भारत सरकार की मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने हाथ मिलाया है। बता दें कि जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस की उपस्थिति में इस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। बीते मंगलवार पिस्टोरियस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर व्यापक बातचीत की थी। चक्रवाती तूफान बिपारजॉय काफी तेजी से गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। इस चक्रवाती तूफान बिपारजॉय के कारण केरल में मॉनसून के शुरू होने की स्पीड थोड़ी धीमी हो सकती है। अरब सागर में आया ये तूफान इस साल का पहला चक्रवाती तूफान है। भारत के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि चक्रवाती तूफान बिपारजॉय अगले 12 घंटों के दौरान पूर्व मध्य और उससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। बिपारजॉय अगले 24 घंटों के दौरान लगभग उत्तर की ओर से और फिर 3 दिनों के दौरान उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा। भारत का इस्पात उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है, यही वजह है कि जापान को पछाड़कर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये जानकारी दी। सिंधिया ने बताया कि इस्पात क्षेत्र में आयात को कम किया गया है और 34,800 करोड़ रुपए बचाए गए हैं और लगभग 60 मिलियन टन कच्चे इस्पात की क्षमता को जोड़ा गया है। सिंधिया ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि देश की इस्पात क्षमता 2014-15 में 109.85 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 46% की तीव्र वृद्धि के साथ 160.30 मीट्रिक टन हो गई है। उन्होंने कहा कि कुल उत्पादन 88.98 मीट्रिक टन से 42% बढ़कर 126.26 मीट्रिक टन हो गया है।